हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और आज वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ शॉपसी को लेके। शॉपसी में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप वहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्टिंग करेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स देने वाला है, वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि शॉपसी पे एक ऐसे आपको मतलब रीसेलर ऐप के बारे में बताया था, शॉपसी जो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है, और उस ऐप में इंटरफेस क्या है, कैसे प्रोडक्ट को शेयर करना है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि शॉपसी में कैसे आप सेलर बन के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है अगर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारा बेनिफिट्स हैं अगर शॉपसी में अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो उस बेनिफिट्स को मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है या तो आपको प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। तो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर वन बेनिफिट, जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स सभी सेलर्स के लिए, 0% कमीशन। तो अगर आप शॉपसी में अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट कोई भी रीसेलर अपना उस प्रोडक्ट को शेयर करता है और आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है और उसके जो अर्निंग आपके पास आएगा, मतलब सेटलमेंट अमाउंट जो होगा, वो वहाँ से ना भी कोई आपका फिक्स क्लोजिंग फी, ना ही आपका वहाँ पे कमीशन, ना भी कोई आपका मतलब फिक्स फी, कोई भी चार्ज वहाँ से नहीं किया जाएगा शॉपसी की तरफ से। सिर्फ आपको वहाँ पे शिपिंग चार्ज जो है वो आपको देना है। अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसका जो रिवर्स शिपिंग चार्ज होता है वो आपको पे करना है। तो ये हो गया सबसे अच्छा बेनिफिट्स सेलर्स के लिए जो शॉपसी में सेल करेंगे। बेनिफिट्स नंबर टू, इमेज गाइडलाइंस। इमेज गाइडलाइन, अगर आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो बहुत सारा वहाँ पे इमेज गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ऐसा होता है कि मॉडल फोटोग्राफी चाहिए, तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है। अगर शॉपसी में आप प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे इतना इमेज गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ आपको टेबल टॉप फोटो या तो फिर आप मोबाइल में भी खींच सकते हैं फोटोज को, ऐसा कोई नहीं कि हाई क्वालिटी फोटो देना है, और आप कोई भी प्रोडक्ट अगर हैंग करके हो सके तो वो भी करके आप मोबाइल क्लिक से अपलोड करके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो इमेज गाइडलाइंस को भी बहुत ईजी कर दिया गया है फ्लिपकार्ट का जैसा नहीं है। नंबर थ्री बेनिफिट जो मिलने वाला है कि यहाँ पे आपको सबसे अच्छा दो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे और जो बेनिफिट्स जो मिलने वाला है कि इनहेंस रीच टू मिलियन ऑफ कस्टमर। तो आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो पैनल पे लिस्टेड है और वो जो प्रोडक्ट है वो कोई भी रीसेलर वो शेयर कर रहा है, और फ्लिपकार्ट का टारगेट यही है कि रीसेलर के थ्रू आपका प्रोडक्ट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और आपके पास ऑर्डर आए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन मिल रहा है अपने प्रोडक्ट का, थोड़ा मार्केटिंग हो रहा है और रीसेलर आपके हिसाब आपके होके आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हो गया थर्ड बेनिफिट्स। और लास्ट जो बेनिफिट्स, आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, मतलब ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिना कोई भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन के, बिना ट्रेडमार्क के यहाँ पर अपना जो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा अगर शॉपसी में आप अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो और सारा बहुत सारा जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको ये जो है मतलब शॉपसी का जो बेनिफिट्स आपको वो मिलने वाला है, और बाकी का जो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस रहेगा, शिपिंग रहेगा, वो शॉपसी की टीम के या फ्लिपकार्ट की टीम की तरफ से ही वो आपको कर दिया जाएगा। तो ये बताया मैंने आपको ये बेनिफिट्स अगर शॉपसी में सेल करेंगे। तो चलिए अब मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप वहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको थोड़ा लॉगिन के पहले आपको बता देता हूँ कि सेलर पैनल जो है वो शॉपसी और फ्लिपकार्ट का एक ही पैनल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए शो हो रहा है फ्लिपकार्ट शॉपसी 0% कमीशन, यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। और नो मोर करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली उनका जो पेज है वहाँ पे विजिट हो जाएगा और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या आपको शॉपसी में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा जो पहले आपको बताया, वो एक बार आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि 0% कमीशन, इजी प्रोडक्ट लिस्टिंग और इमेज गाइडलाइंस, इनहेंस रीच टू मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, वो और नॉन ब्रांड नो ब्रांड रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको आप यहाँ के चेक कर सकते हैं। और एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा,
वहाँ पे जाके आपको पूरा आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको वहाँ पे वर्टिकल्स मिल रहा है और क्या क्या आपको फीचर्स जो मिल रहा है और क्या क्या सेम है फ्लिपकार्ट की तरह। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद लिस्टिंग को बता देता हूँ। लिस्टिंग को अलग से बताने का कोई ऐसा मतलब नहीं है क्योंकि सेम एज फ्लिपकार्ट की तरह है, बट प्रोसेस कैसा है, कहाँ से आपको लिस्टिंग को ऐड करना है शॉपसी में, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखिए ऑलरेडी सेलर पैन पे मैंने लॉग इन कर लिया है और ऊपर में देखिए लेफ्ट साइड में फ्लिपकार्ट और शॉपसी करके दोनों लोगो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब एक ही पैनल से आप दोनों पोर्टल को मैनेज कर पाएंगे, मतलब दोनों मार्केट प्लेस को मैनेज कर पाएंगे। तो कहाँ से आपको लिस्ट करना है, सबसे पहले आपको लिस्टिंग में जाना है और माय लिस्टिंग में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और एज ए सिंगल और बल्क जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है क्लिक हेयर टू ऐड लिस्टिंग अंडर द शॉपसी मार्केट प्लेस। तो अगर ये जो पैनल अभी ओपन हो चुका है ये फ्लिपकार्ट का है और अगर सिर्फ शॉपसी में आपको लिस्ट करना है तो शॉपसी मार्केट प्लेस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आ चुका है शॉपसी और फ्लिपकार्ट, आपको आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ऑफ ऑन करके आप दोनों मार्केट प्लेस को लिस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉपसी को ऑन कर लिया। तो शॉपसी में ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे शॉपसी करके आ चुका है और यहाँ पे जो जो वर्टिकल्स अभी फिलहाल अवेलेबल है शॉपसी में, क्योंकि न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू मार्केट प्लेस है, सब कुछ अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है, कुछ ही कैटेगरीज कुछ ही प्रोडक्ट यहाँ पे वर्टिकल्स अवेलेबल हो चुका है। तो आपको थोड़ा देखना है, अगर आप उसके ऊपर डील करते हैं तब जाके आप फिलहाल शॉपसी पे आप लिस्टिंग कर पाएंगे। और जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन से दे दिया हूँ जाके वो चेक कीजिए वहाँ पे कौन कौन सा वर्टिकल्स अवेलेबल है, वो आपको शो हो, मतलब आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल्स जो है वो आपको आपका कैटेगरीज के हिसाब से आप वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं नहीं, वो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कीजिए। और वो जो वर्टिकल का लिस्ट वो आपकी स्क्रीन पे भी आपका शो हो रहा है, वो भी अगर आपको लिंक ना ओपन हो कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा वर्टिकल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एकदम सिंपल है और जो फ्लिपकार्ट के तरह ही आपको सपोज के मान लीजिए टॉपरवेयर आपको शॉप से टी शर्ट करना है तो सेम यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे आपको ब्रांड का सिलेक्ट ब्रांड करना है, उसके बाद आपका कौन सा टी शर्ट है, मतलब ये जो प्रोसेस है सेम एज फ्लिपकार्ट के तरह ही जाए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो फ्लिपकार्ट में है वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सिर्फ आपको रजिस्टर पहले वो बटन ऑन ऑफ करके आपको चेंज कर लेना है। तो बस यही था फ्लिपकार्ट का जो लिस्टिंग प्रोसेस। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकदम आसान है, आपको सिर्फ आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है, अगर आप ऑलरेडी फ्लिपकार्ट अकाउंट है आपके पास तो उससे ही आपका शॉपसी अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ शॉपसी में करना चाहते हैं तो अलग से आपको उस मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है फ्लिपकार्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको देना होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सिंपल है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी सिंपल है और बाकी का जो सिस्टम है ऑर्डर प्रोसेस या तो फिर आपका पेमेंट वगैरह शिपिंग वगैरह जो है वो सेम एज फ्लिपकार्ट की तरह ही है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप जाके लिस्टिंग कर सकता है, अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं ज़रूर आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो बस यही आपको बताना था कि शॉपसी मार्केट प्लेस में आप बिना किसी ट्रेडमार्क के ईजी लिस्टिंग के साथ कोई फोटोग्राफी के साथ आप अपना जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं, वो भी जीरो कमीशन पे। तो जाके आप प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, सेल कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि शॉपसी में कैसे आपको सेलर बनना है, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो ये मैंने आपको बताया। और एक बात आपके मन में अभी आ सकता है कि शॉपसी में अगर आप मतलब फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्या शॉपसी में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना है? ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं तो वो उस सेम रजिस्ट्रेशन से आपको शॉपसी में आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। और जो अगर आप सिर्फ शॉपसी में सेल करना चाहते हैं तो आपको अलग से फ्लिपकार्ट के तरह ही सेम पैनल में जाके जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है फ्लिपकार्ट के रजिस्ट्रेशन के टाइम वो सब आपको सबमिट करना होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट के तरह ही है और सेम पैनल से आपको वो मैनेज करना है। और एक बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सेलर अभी फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं उन सेलर का प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट शॉपसी ऐप के अंदर ऑलरेडी लिंक किया हुआ है और वो जो ऑर्डर्स मतलब वो जो लिस्ट जो फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर आपके पास आए, क्योंकि उसका आपको सभी शिपिंग चार्ज हो, कमीशन हो, उसका फिक्स क्लोजिंग फी हो, जो जो लगेगा वो सब आपको पे करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड है तो फ्लिपकार्ट गाइडलाइन के हिसाब से कमीशन के हिसाब से आपको पे करना है। जो प्रोडक्ट आपका शॉपसी में रहेगा उसका ही जीरो कमीशन पे आप
सेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपका जो कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट लिस्टिंग करेंगे, सभी प्रोडक्ट शॉपसी ऐप के साथ, शॉपसी अकाउंट के साथ आपका लिंक हो जाएगा। उसका ऑर्डर आए तो आपको कमीशन देना है, अगर शॉपसी का सिर्फ आए तो शॉपसी में वो कमीशन आपको देना नहीं होगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्डर्स आएगा थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डर्स कौन सा आपका आ रहा है। और शॉपसी में जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि फ्लिपकार्ट पैनल पे भी, मतलब flipkart.com पे भी आपको शो होगा, ऐसा नहीं। सिर्फ शॉपसी का जो प्रोडक्ट है वो शॉपसी ऐप में ही शो करेगा और फ्लिपकार्ट का जो ऐप है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपके लिए शो करेगा। तो बस यही था इन्फॉर्मेशन और डिटेल मैंने आपको बता दिया कि एक शॉपसी में कैसे सब कुछ करना है। तो अभी भी इस वीडियो के ऊपर अगर आपको लगता है कि पूरा आपका डाउट जो है क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी क्वेरीज जो मैंने मिस कर दिया वो आपको जानना ज़रूरी है, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का, या तो फिर बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो शॉप्स के ऊपर फिर से बना दूंगा। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई वीडियोस आप हमारे मिस ना करें, और आप हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।